गाइस आपको पता होगा रिपब्लिक डे आ रहा है तो ये वाला वीडियो हर जगह वायरल जा रहा है। ओ देश मेरे, तो गाइस आज मैं आपको इस तरह का 26 जनवरी रिपब्लिक डे वाला स्टेटस वीडियो एडिट कर बताने वाला हूँ। सच में अगर आप इस तरह की वीडियोस को बनाकर अपलोड करोगे तो भाई 26 जनवरी तक आपकी वीडियोस वायरल जा सकते हैं। चलो ये तो ठीक है, लेकिन अब आपको बनाना कैसे है तो चलिए आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो स्टेप है ना, उसमें आपको अपना पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करना है। जैसे ही आप पिक्सल लैब को ओपन करोगे आपके सामने एक न्यू टेक्स्ट आएगा, तो आप उसको डिलीट कर देना। अब देखो यहाँ पे एक थ्री डॉट मिलेगा, तो थ्री डॉट पे जाना है, इमेज साइज पे जाना है। जैसे ही आप इमेज साइज पे क्लिक करोगे, अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट में 1280 लिखा है आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो, तो 1280 को कट कर यहाँ पे 720 लिखकर ओके कर देना। जब आप यहाँ पे 720 लिख के ओके करोगे, अब देखो आपको जो बैकग्राउंड है ना उसमें ब्लैक कलर करना है, तो आपको नीचे फोर्थ नंबर पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको कलर वाले सेक्शन में जाके ब्लैक कलर को आपको बैकग्राउंड में करना है। अब आपने यहाँ पे ब्लैक कलर को कर लिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब यहाँ पे देखिएगा ऊपर की साइड आपको प्लस का आइकन मिलेगा, तो प्लस पे जाके आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। जब आप यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, अब आपको एडिट पे जाना है। जैसे ही आप एडिट पे जाओगे, अब आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि हैप्पी रिपब्लिक डे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैप्पी रिपब्लिक डे, इस तरीके से आप लिख देना। अब देखो आपने, अरे भाई ये गलती से बैक हो गया है, कोई ना, अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो जब आपने यहाँ पे जो हैप्पी रिपब्लिक डे लिखा होगा उसका जो टेक्स्ट है ना वो नॉर्मल है, आपको स्टाइलिश बनाना है, तो आपको नीचे फॉन्ट पे जाके माई पॉइंट में जाना है। अब देखो आपको जो टेक्स्ट में फॉन्ट लगाना है उसका नाम है घोस्ट थ्योरी, तो वो वाला फॉन्ट है ना आपको इस वाली वीडियो की कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर आप अपने पिक्सल लैब के अंदर उसको ऐड कर लेना। अब काफ़ी सारे लोगों को भाई ऐड करना आता है, काफ़ी सारे लोगों को नहीं आता है। पहले तो आप ये वाला फॉन्ट देख लो, घोस्ट थ्योरी 1 वाला यही वाला है। अगर आपको ऐड करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, एक बार जरूर देख लेना भाई, पक्का ऐड करना सीख जाओगे लाइफ टाइम के लिए। अब देखो आपने यहाँ पे फॉन्ट ऐड कर लिया, टेक्स्ट में लगा लिया है, तो आपको कलर पर जाना है। अब देखो जो कलर है ना भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको नीचे जो टेक्स्ट है ना आपको हैप्पी वाले टेक्स्ट को कॉपी कर आपको उसमें सेफ्रॉन कलर लगाना है। नेक्स्ट आपको रिपब्लिक में भाई डी रखना है, डे में आप ग्रीन कलर कर देना, कॉपी करना है और कलर ऐड करना है, सिंपल है। अब देखो आपको इसी टेक्स्ट को कॉपी कर आपको एडिट पे जाना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे 26 जनवरी 2024 लिखना है, यानी कि आप यहाँ पे लिख देना 26 जनवरी 2024, तो आप इस तरीके से यहाँ पे लिख देना। अब देखो जो दोनों टेक्स्ट है ना आपको स्टेप बाय स्टेप दोनों को सही से आप एडजस्ट कर लेना, बीच बीच सेंटर में, ज़्यादा ऊपर नहीं करना है, नीचे ही रखना है जितना मैंने किया है। अब आपको सेम टेक्स्ट को कॉपी कर सेम आपने जो ऊपर वाले टेक्स्ट में कलर लगाया था उसी तरीके से आपको 26 जनवरी और 2024 वाला टेक्स्ट है ना उसमें लगाना है। जैसे कि 26 को कॉपी करना है, सेफ्रॉन कलर लगाना है, जनवरी में ऑलरेडी वाइट है, अगर आपके में नहीं है तो कर लेना, बाकी 2024 को कॉपी कर उसमें ग्रीन कलर कर देना। अब आपको यहाँ पे 3 या 4 इमोजी देना है, तो प्लस पे जाके टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिएगा, एडिट पे जाइएगा। अब यहाँ पे मैं 3-4 इमोजी बना देता हूँ, जैसे कि 3 बना देता हूँ। पहला तो मैं अपने इंडिया का फ्लैग बना देता हूँ, साथ में एक इमोजी और उसके साथ में एक स्टिकर बना देता हूँ। अभी आप पर वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक लग रहा है। अब जो आपने इमोजी वगैरह दिया है ना आप टेक्स्ट के लेफ्ट और राइट आपके अकॉर्डिंग लगा देना। चलो ये वाला काम भी कंप्लीट। अब आपको अगेन प्लस पे जाके फॉर्म गैलरी पे जाना है। अब आपको यहाँ पे अशोक चक्र वाला पीएनजी यहाँ पे ऐड करना है। ये वाला जो अशोक चक्र का पीएनजी है ना भाई कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। देखो भाई इसको मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया था, मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने खुद से इसको एडिट किया है, काफ़ी मेहनत से और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी देखो आप इसको डाउनलोड कर यहाँ पे लगा देना। टेक्स्ट वगैरह को कम्प्लीट क्रिएट करने के बाद आपको नीचे फोर्थ नंबर पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इसको पीएनजी बनाना है। देखो आपने पीएनजी बना लिया है, तो आप इसको पिंक क्वालिटी अल्ट्रा या फिर वेरी हाई में सेव टू गैलरी कर लेना। जब आप इसको सेव कर लोगे अब रहता है आपका वीडियो बनाने का काम, काफ़ी मज़ा आएगा। तो अपने अलाइट मोशन को ओपन कीजिएगा। जैसे ही आप अपने अलाइट मोशन को ओपन करोगे यहाँ पे नीचे फोर्थ नंबर पे सॉरी प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 9:16 यानी कि इंस्टाग्राम रील वाला साइज करना है। बैकग्राउंड में ब्लैक कलर होना चाहिए, ध्यान रखें बैकग्राउंड में ब्लैक कलर करने के बाद आप क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना। इस वाले प्लस पे जाके आपको मीडिया पे जाना है। अब देखो आपने जो टेक्स्ट वगैरह को क्रिएट किया था वो वाला टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट का लेयर है आपको सबसे पहले लेयर के टाइमलाइन को बढ़ाना है। जैसे कि आप अपने वीडियो कितने सेकंड का यहाँ पे एडिट करना चाहते हो, मैं तो यहाँ पे 7 या फिर 8 सेकंड टाइमलाइन को कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। अब आता है आपका इफेक्ट वाला काम, ध्यान से देख लो, XML के चक्कर में मत पड़ना, आपको नीचे इफेक्ट पे जाना है। जैसे ही आप इफेक्ट पे जाओगे अब आपको एड इफेक्ट पे जाना है। नेक्स्ट आपको सर्च में जाना है। जब आप सर्च में जाओगे तो आपको यहाँ पे वेबर पे लिख के टाइप करना है। जैसे ही आप वेबर पे यहाँ पे सर्च करोगे तो आपके सामने वेबर पे वाला इफेक्ट आएगा, सिलेक्ट करना है, सेटिंग पे जाना है। अब देखो मैं आपको एक एक सेटिंग यहाँ पे बता रहा हूँ, आप XML के चक्कर में मत पड़ना। देखो आपको यहाँ पे जो पहला ओपेसिटी मिलता है फेस वाला, आपको इसको 0.19 करना है। जैसे आप 0.19
मेंटेन करोगे आपको एंगल के नीचे स्पेसिंग मिलेगा। स्पेसिंग का जो ओपेसिटी है ना आपको 14.0 करना है यानी कि 40.0 करना है। उसके बाद आपको लेयर के स्टार्टिंग में की फ्रेम देना है। लेयर के स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाने के बाद आपको लेयर में मैक्सिमम 2.15 सेकंड तक आगे जाना है। मैं यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगाया भाई, आप इतना मत जाना। उसके बाद आपको स्पेसिंग को 0.1 कर देना है। अब देखो स्पेसिंग के जस्ट नीचे आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा, तो मैग्नीट्यूड का जो ओपेसिटी उसको 3.0 करना है। लेयर के स्टार्टिंग में की फ्रेम देना है। अब आपने यहाँ पे जो सेकंड वाले स्पेसिंग में जो की फ्रेम दिया था सेम जगह पे लेयर को स्टॉप कर मैग्नीट्यूड की ओपेसिटी को 0.0 करना है। इसको कंप्लीट करने के बाद आप थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पे बर्फ एंगल मिलेगा। बर्फ एंगल को 0 डिग्री करना है, ध्यान रखें 0 डिग्री करना है। अब देखो आपको थोड़ा नीचे जाओगे ना यहाँ पे मैग्नीट्यूड मिलेगा, मैग्नीट्यूड का जो ओपेसिटी है ना इसको 100% करना है। अब आपको थोड़ा नीचे जाओगे तो स्पेसिंग मिलेगा, स्पेसिंग वाला जो ओपेसिटी है उसको 22% करना है। चलो आपका ये वाला काम भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ से बैक आकर अगेन आपको एक और इफेक्ट लगाना है, तो आपको लेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेम पहले की तरह इफेक्ट पे जाके एड इफेक्ट पे जाना है। अब आपको सर्च में जाके गीजियन ब्लर यहाँ पे टाइप करना है। जैसे ही आप गीजियन ब्लर यहाँ पे सर्च करोगे तो आपके सामने इफेक्ट आएगा, सिलेक्ट करना है, सेटिंग पे जाना है। और भाई सेटिंग कहाँ मिलेगा, वो वाला सेटिंग नहीं, इफेक्ट का स्टैंडर्ड सेटिंग। चलो समझ गए। अब देखो यहाँ पे ब्लर को आप सिलेक्ट करोगे तो आपको अपने लेयर के स्टार्टिंग में की फ्रेम देना है। जैसे ही की फ्रेम लगाओगे अब आप अपने लेयर में कहाँ तक ब्लर देना चाहते हो उसी जगह पे आपको लेयर को स्टॉप करना है, ओपेसिटी को बिल्कुल 0 पे कर देना है। अब देखो आपको अगेन लेयर के स्टार्टिंग में रहना है, वो वाला इफेक्ट तो आपका लग चुका है ब्लर वाला। एक बार फिर इफेक्ट पे जाके एड इफेक्ट पे जाना है। अब आपको सर्च में जाके यहाँ पे एक्सपोजर लिखना है, इफेक्ट का नाम एक्सपोजर गामा है, लेकिन आपको ओनली एक्सपोजर टाइप करना है तभी इफेक्ट आएगा। जब आप यहाँ पे एक्सपोजर गामा वाले इफेक्ट को सिलेक्ट करोगे अब आपको देखो ओपेसिटी को एडजस्ट करना बहुत ही सिंपल है। आपको पहले नंबर पे एक्सपोजर का लेंथ मिलता है 150 कर आपको लेयर के स्टार्टिंग में की फ्रेम देना है। अब देखो आपने जहाँ तक ब्लर दिया था सेम उसी जगह पे आपको लेयर को स्टॉप करना है, एंड जो एक्सपोजर का ओपेसिटी है ना उसको आपको 0 पॉइंट करना है, 0.00 आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो। तो चलो आपका ये वाला काम भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब देखो ये वाला जो वीडियो है ना आप इसे अपना चाहो तो आप नेम लगा सकते हो, जैसे कि कोई स्टाइलिश नेम। अगर आप नहीं लगाना चाहते हो तो आप इसको एक्सपोर्ट कर लेना। मैं आपको पहले बता नहीं पाया था नेम कैसे ऐड करें, तो आप कभी भी ऐड करो ना तो टेक्स्ट को क्रिएट करते वक्त ही ऐड कर लेना। बाकी आप अपनी वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट करने के बाद आपके पास में एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम है कैपकट। मेरे पास ऑलरेडी है, कैपकट का सारा प्रोसेस तो आप लोगों को पता ही होगा। अब देखो जैसे ही आप अपने कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको पहले नंबर पे ही मिल जाता है न्यू प्रोजेक्ट, तो जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट पे जाओगे अब देखो आपने जो वीडियो अलाइट मोशन से सेव किया था ना वही वाला वीडियो यहाँ पे ऐड करना है। इसके साइज वगैरह को सही से एडजस्ट कर लेना। अब आपको इफेक्ट लगाना है, लेयर के स्टार्टिंग में आना है, इफेक्ट पे जाके वीडियो इफेक्ट पे जाना है। मैंने थोड़ा फास्ट बोल दिया है, यहाँ पे देखो ओवरले के पास इफेक्ट पे जाना है, वीडियो इफेक्ट पे जाना है। अब देखो आपके सामने अगर आपका VPN कनेक्ट है ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, अगर VPN कनेक्ट नहीं है तो नो इंटरनेट प्रॉब्लम आएगा, तो कनेक्ट होना जरूरी है। बाकी आपको ऊपर देखना है यहाँ पे स्टार मिलेगा, तो आप स्टार में जाओगे ना तो काफी सारे स्टार इफेक्ट मिलता है, लेकिन मेरे हिसाब से पहली वाली लाइन में फ्रेच बॉर्म टोन नेम से जो है ना फ्रेच बॉर्म टोन आप यहाँ पे देख लो वही वाला ऐड करना है, एडजस्ट वगैरह नहीं करना है। लेयर को अपने वीडियो के टाइमलाइन के हिसाब से लगाना है। टेक्स्ट में स्टार तो लगा दिया है, अब लगाना है ग्लिच, तो आपको अगेन वीडियो इफेक्ट पे जाना है। जैसे ही आप वीडियो इफेक्ट पे जाओगे आपको यहाँ पे देखना है भाई ग्लिच कहाँ पे है, तो ये रहा ग्लिच, ग्लिच में जाइएगा। जब आप ग्लिच में जाओगे तो यहाँ पे काफ़ी सारा ग्लिच इफेक्ट आता है, लेकिन आपको पहली वाली लाइन में ही देखना है, कॉर्मेटिक नेम से मिलता है तो कॉर्मेटिक वाले पे क्लिक करना है, एडजस्ट पे जाना है। जब आप एडजस्ट पे जाओगे तो स्पीड की ओपेसिटी को करना है 25 एंड जो इंटेंसिटी है इसकी ओपेसिटी को मैक्सिमम 35 या फिर 40 करना है। तो चलो ये वाला काम भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ये वाला काम नहीं पूरा वीडियो वाला काम ही कंप्लीट हो गया है। अब आप चाहो तो अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना, और वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर पाओगे, तो इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर फॉलो भी कर लेना और जाते जाते वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी इन दोनों में से कोई सा भी वीडियो देख लो, फॉन्ट ऐड कैसे करें, XML इंपोर्ट कैसे करें, चलिए वहीं पे मिलते हैं, बाय।